तो भैया देखिए, चुनाव अधिकारी लोग देखिए घर से जा रहे हैं, कल हम लोग जाएंगे वोट डालने। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो अभी मेरा कोचिंग का टाइम हो गया है और मम्मी मेरे लिए बना रही है हलवा। मम्मी, सूजी का हलवा। हेलो जी, हेलो, हमको लेट हो रहा है। मेरा तो छुट्टी चल रहा है, कोचिंग है, इसलिए मम्मी हलवा बना रही है। पापा का तो ड्यूटी लगा है, पापा जाएंगे अपनी ड्यूटी पर ना। मम्मी, तुम्हारे आने से पहले चले जाएंगे। हमारे आने से पहले पापा से सवाल वाल जो पूछना है पूछ लो। हमको देर लेट हो रहा है कोचिंग के लिए। मम्मी तो पापा से जो है चले जाएंगे। तुम्हारे आने से कब ले आओ? हम आएंगे 11 बजे। तुम 11 बजे आओ, पापा चले जाएंगे 8-9 बजे चले जाएंगे। अब कल आएंगे जो है। देखा इसको बुखार आ गया, देखा। और इसको सोकर उठी तब से फीवर आ गया। हमारे रानी के जब बुखार आएंगे, हमारी रानी इतना बढ़िया होकर अंग्रेजी सिखा वाली। कब रानी? इसको फीवर है यार, इसको सिवम, इसको फीवर है, दवा ला दोगे? इसको फीवर है। किसका दवा? इसको फीवर है, ठंडा लग रहा है तो आई आई कलमा बांध लो, चाहे टोपी लगा लो, जाओ 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 जाओ। अब तो हलवा मेरा तैयार हो गया, अब इसको जल्दी से खाएंगे, लेट हो रहा है कोचिंग के लिए, भागेंगे। तो हलवा खा के चल रहा कोचिंग, तब से हम खाना बनाया रहा तैयार ना 10 बजे। हाँ, 11 बजे ले आएंगे। हाँ, देखिए चुनाव अधिकारी लोग देखिए घर से जा रहे हैं, कल हम लोग जाएंगे वोट डालने। बोरिया बिस्तर सब बन चुका है। कहे जा था वो मच्चा। अनु के पापा जा रहे हैं तो अनु का देखिए का है। अनु को का कहो, अनु तुमको बढ़िया लग रहा है खराब लग रहा है? बाय बाय पापा। बाय गए पापा, गए परसवाएंगे। कल है ना, कल उठ है ना, तो कल आएंगे रात को, पूरा वो बक्सा वक्सा सब जमा करके देखो कब तक आते हैं। अनु अनु का तो मुंह बन गया। अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो भैया देखिए, ये बखत जो है बज गया है, 2 बजने वाला है, और हम देखिए घर का और सब काम, चूल्हा बर्तन कपड़ा लत्ता सब काम ऊपर के देखिए खलिया गए हैं। तो वो दिना जो है हम बना रहे थे मूंग का दाल जो है अलग अलग कर रहे थे, तो आधा किए थे आधा रह गया था। तो देखिए चल रही सब कर रहे हैं, किचन का वीडियो शूट करने को थे, लेकिन आज लकी को बुखार आ गया तो किचन वाला वीडियो था नहीं शूट कर रहे हैं, तो जो हमारा काम बचा हुआ है वो करते हैं। और देखिए वो धनिया काट के लाए थे परसों का, और वो देखिए अभी वैसे ही रखा है, तो उसके दाने भी निकालने हैं। तो आज दोपहर में यह सब काम जो है कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा जैसे सूखापन लग रहा है, दिनवा बड़ा भी हो गया है और बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसके पापा चले गए हैं ना, तो जैसे लग रहा है घर में कोई भैया नहीं है, एकदम सूनापन। आप लोग भी बताइए, अच्छा ऐसा आप लोग को भी लगता है? और वैसे तो डेली तो रोज़ जाते ही हैं स्कूल पढ़ने पढ़ाने, तो जब पढ़ाने जाते हैं तो अब ऐसा नहीं लगता है, लेकिन काज निका है आज जो है वो चले गए हैं, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम कोई भैया नहीं है, इतना सूनापन जैसे लग रहा है। वैसा आप लोग को भी लगता है कि खाली हम ही को लग रहा है जो है, तो कोनो कमू में मन नहीं लग रहा है, तो सोच रहा है जो बचा बचा कुचा काम है ये सब पहले सब निपटा ले जो है। तो देखिए ये अलग अलग कर लेते हैं ये सब काम, जो महीन वाला है खड़ा वाला है इतना रह गया था, करने के बाद चलिए ये सब निपटाते हैं। वीडियो भी देखिए एडिट करके अभी अपलोड नहीं किए हैं, वो नहीं करने का मन कर रहा है, तो सोच रहे थोड़ा काम बदल दें, जब बोरिंग लगता है तो काम बदल लेते हैं, इच्छा काम छोड़ के दूसरा काम करते हैं तो फिर मन करने लगता है कि करें, थोड़ा सा ही काम करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके अपलोड करेंगे। आज कल का जो ब्लॉग हम शूट किए हैं, तो लीजिए भैया दाल तो देखिए बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं जो है। ये देखिए छोटा वाला दाल सब, तो देखिए है इतना निकला है, उतने दाल में से इतना निकला है, एकदम ही महीन वाला, एकदम महीन वाला है। और ये जो है
इतना देखिए ये निकला है साबुत, तो इका कल जो है धूप में डालेंगे कहीं थोड़ा धूप लग जाएगा तब इसको दरेंगे तभी जाके इसका दाल बनेगा बढ़िया से, नहीं तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। और ये देखिए ये दाल है बढ़िया वाला है, इसको देखिए इसमें रख रहे हैं, इसका जब रोहर मिला देंगे इसमें तो ये दाल हो जाएगा डेली जो दाल हम लोग बनाते हैं खाने के लिए, ये डेली के लिए यही हो गया है ना दाल, इसको इसी में रखते हैं सब हटा देते हैं। तो बहुत धनिया रह गया उसको पहले सही करते हैं। हरा है इसको जो है हम इसमें के दाना निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्तों मुझे ये है धनिया का दाना इतना जो है देखिए निकल गया, तो इसको रख देते हैं, इसको कल जो है धो के तब इसको धूप में दिखाएंगे, देखिए हमारा हाथ कितना जो है काला हो गया, तो इसको धो लेंगे और इसको सुखाएंगे तब जाके वो मसाला तैयार होगा मसाले के लिए। तो भैया देखिए संझा हो गया हमको हुआ काम करते करते, संझा माने शाम हो गया 5:30 बज रहा है, दाल और धनिया उनिया सब करते करते देखिए हमारा बेटा जो है सो गया था तो इसको उठाए हैं चल रहे हैं खेतों में पानी लगाने, तो कल हम लोग खाद उद दे के मिट्टी नहीं चढ़ाए थे खेत में, उसको अगर पानी नहीं देंगे तो वो सब सूख जाएगा, तो लाइट आ गई है और बता दे आज लाइट चुनाव की वजह से कि काहे आज लाइटियाँ दिन भर है, हमको लग रहा है 300 यूनिट फ्री बिजली अब वहाँ से मिलने लगा, हमको यही शंका हो रहा है भाई कलोट देना बाकी है जो है, तो चले खेत में बेटा हमारा ले चल रहा है पाइप खींच के तो लगा दे, रुका हम खींचा था यो रुका रुका सी वो अरे रुका हो बाहर से खींची अरे रुका हो लहसुन के खेत में ले चली है कहीं पाइपिया लगा दे तो पानी भी जाते रहे, खेतवा में कुछ काम है तो चले खेतवा में काम वो कर ले। तो लीजिए भैया देखिए खेत में आ गया पानी, और ये जो है हमको करना है लहसुन का सिंचाई, और ये देखिए ये आज अनु जो है अपना पूरा जो है टीम लेके खेत में का करिए, रुके उसके पास चलते हैं पहले ही पनिया देख लें, तो लहसुन बहुत बढ़िया हुआ है इस बार का, लेकिन अभी ना ये जो है ना ये लहसुन में ये गांठे पड़ रही हैं, बाकी अभी ना उसमें जो है कलियाँ जो लहसुन में बनती हैं वो अभी बनना बाकी है, तो हमको लग रहा है अभी इसको 2-3 सिंचाई की ज़रूरत होगी का हो। तो भैया देखिए अभी लहसुन हम बोए हैं अक्टूबर नवंबर का, ये आ गया है आपका मार्च, अब अभी लहसुन तैयार नहीं हुआ, तो एक मित्र पूछ रही थी हमारी कि लहसुन कौन महीना में तैयार होता है कितने सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो भैया बता दे इसको तैयार होने में 4-5 महीना लग जाता है, माने आप जोड़ लीजिए अक्टूबर में बोए हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अभी जाके पूरा मार्च पूरा ले लेगा अप्रैल में तैयार होगा, तो लगभग छः महीना माने तो 6 महीना में तैयार होता है, तो जाड़े में तो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, लेकिन अब देखिए अब हर 3rd-4th दिन तो इसको पानी की ज़रूरत पड़बे करेगी, एकदम सूख गया है, हम कहिए इसको पानी भरे थे सूख गया है इसमें तो घसीयो है, तो चलिए इसका घास हम निकाल दे रहे हैं और इसमें तब तक पानी जा रहा है, अब पहले चलिए चलते हैं दिखाते हैं अनु के, आज अनु की पूरी पलटन आ गई है खेत में,
अब मजा दे रहा है जो है मटर का खेत देख के दिल खुश हो जा रहा है। आई देखिए, आई अनु, आई पूरी पलटर लेके काहे की चीज़ की बुआई कर रही हैं ये सब, और हमसे इतना ये लोग खेत ली है किराए पर। का लगा रही हो अंतिका? अरे बाप रे, ये देखिए ये सब अपना टमाटर लगा रही, तो और दूर दूर लगाओ, और दूर दूर लगाओ। नहीं देखा, एक पेड़ यहाँ लगावा, एक पेड़ यहाँ लगावा, और फिर यहाँ लगावा दो पेड़, इतना दूर में ही लगावा जान हो। तो मेरे घर की सारी परियां आ चुकी हैं मेरे खेत में, है ना? परियों के साथ साथ ये कौन है? भगवान जी हैं। देखिए भैया, देखो परियों, मेरी बात सुनो, नहीं तुम लोग के पंख हम काट देंगे। पंख मत काटना, मेरी बात सुनो, जैसे जैसे हम करें तैसे करो, नहीं तो पंख काट देंगे तुम सबके। दो पेड़ यहाँ लगा दो। अच्छा, दो पेड़ एक में डाल के लगाओ। हाँ, दो पेड़ लगाओ एक साथ, दूरी बनाओ। हाँ इस सही है। अब यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अब इतने दूर पे लगाओ, अब पानी दे दो। बैगन का पेड़, हम लोग देखना चाहते हैं कि इतने दिन से हम मोबाइल में झूठ बोल रहे हैं क्या, कि हमें खेती नहीं आता। प्रूफ करना चाहते हैं हमें खेती आता है कि नहीं। अरे भैया, तुमको खेती आती है, इसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खेतवा दिख नहीं रहा है सबको, कौन कहता है जो है हम। तुम अपना अलग लगाना। खेती आ गया है, वो देखिए मेरा बोरा, भिंडी, नेनुआ, करेला सब जम गया है। इसका नेनुआ, करेला, तरोई सब जम गया है। चलो अच्छा, लगा दो, लगा के पानी दे दो। और देखिए भैया, खूब बहुत बढ़िया फूल एकदम निकल गया है मंगरेल में। देख लीजिए, ये मंगरेल में बहुत अच्छा फूल निकला है। और बता दे, इसमें हम कमी का किए हैं, एको बार इसमें जो है कौनो खाद का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर खाद इसमें डाले होते ना, तो ऐसा जबरा जबरा पेड़ होता एकदम खूब बढ़िया की देखने लायक। बस इस वजह से देखिए, इसका पेड़ जो है इतना नाजुक नाजुक सा दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है, खाली इसमें हम कोनो खाद नहीं डाले हैं। तो देखिए, मंगरेल का जो है फूल है, और देखिए इसका जो मंगरेल का बीज है ना, देखिए इसी में बनेगा। देखिए ये जो है, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी में मंगरेल की बीज बनेगी। तो अभी तो ये है कच्चा, तो जब पक के तैयार होगा तब आपको दिखाएंगे। हाँ रानी, निकल जा रानी, निकल जा, नहीं तो कहो। तो चलिए भैया, थोड़ा टाइम है, पानी खेतों में जा रहा है, तब से हम हई जो प्याज जो लगाए हैं इसकी थोड़ा गुड़ाई उड़ाई कर दे। तो देखिए, फिर गुड़ाई ऐसे ऐसे करेंगे, इसमें पानी ज़्यादा भर गया था, इस वजह से ही ख़राब हो गया था। थोड़ा गुड़ाई कर देंगे ना, तो जो पौधे बचे हैं वो सब सही हो जाएंगे। तो देखिए भैया, अंधियार हो गया, अंधियार माने अंधेरा हो गया है, बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और देखिए क्यारी की आधा से ज़्यादा जो है हम गुड़ाई कर दिए हैं, तो हम चल रहे हैं घर। अब कॉल आएंगे तो इसकी गुड़ाई करेंगे जो है, और खेत में पानी जा रहा है तो इसको बीच बीच में देखते रहेंगे, ताकि सोच रहे हैं कि सिंचाई जो है रात को हो जाए तो बढ़िया है। आजकल जो है रात को सिंचाई करते हैं ना, तो नमी अच्छा रहता है, और दिन में सिंचाई करते हैं तो धूप होती है तो फट से सूख जाता है जल्दी से, और फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो रात को सिंचाई ज़्यादा बेहतर होता है आजकल। तो हम सोच रहे हैं इसको लगा के और इसे छोड़ दे रहे हैं, ये अपना पानी जाता रहेगा। तो देखिए, ये कलुआ जो है लौट गया है, बैक करते हैं। तो भाई देखिए, कलुआ लौट गया है, गिर गया है, और ये क्यारी में देखिए पानी लहसुन में से बह कर आ रहा है। तो हम दूसरे क्यारी में खोल दे रहे हैं पानी, पहले लहसुन की सिंचाई हो जाएगी तब इसमें फिर लगाएंगे पानी हम। देख लीजिए, देखिए अंधेरा हो गया ना एकदम, सूरज भी डूब गया है और चंद्रमा दिखने लगा है।